हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान का किचन। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मटन सीख कबाब और भी तवे पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पेस्ट बनाने जा रही हूँ। पेस्ट बनाने के लिए मैंने ली हूँ 2 इंच अदरक, एक छोटी आधी प्याज, 11 से 12 लहसुन की कलियाँ, 5 हरी मिर्च और कुछ पुदीने के पत्ते। अब इन सभी चीज़ों को एक मिक्सर जार में डालकर बिना पानी यूज़ किए इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमने जो पेस्ट बनाया है वो बिल्कुल रेडी है। कीमे में डालने के लिए हम 1 कप बेसन को करीब करीब 5 मिनट के लिए धीमी फ्लेम पर भून लेंगे। मटन सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली हूँ 300 ग्राम मटन कीमा। आप चाहे तो चिकन कीमा भी ले सकते हैं। ड्राई कीमे में मैं कुछ मसाले ऐड करने जा रही हूँ, जो कि कुछ यूँ है, 1 टेबल स्पून भर के गर्म मसाला, जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो, कुछ चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के भुना कूटा धनिया पाउडर, 1/2 कप भुना हुआ बेसन, 1 टेबल स्पून नमक। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सीख कबाब को बिल्कुल सीख कबाब वाला शेप देने के लिए हाथों में हल्का पानी लगाकर एक दरमियाना साइज का बॉल बना लेंगे। बॉल को फिर एक, मैंने यहाँ पे पेंसिल यूज़ की हूँ, आप चाहे अगर आपके पास है तो आप सलाखें भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई किस्म का वुडन स्टिक या फिर एक छोटी सी रॉड भी यूज़ कर सकते हैं पतली सी। बिल्कुल इसी तरह हाथों पर हल्का हल्का पानी लगाकर हम कीमे को शेप देंगे। जब एकदम परफेक्ट कबाब वाला शेप बन जाए तो पेंसिल को पीछे की तरफ निकाल कर कबाब को निकाल लेंगे। हमारे सभी सीख कबाब तवे पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक तवे पे थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें हम सीख कबाब को डालना शुरू कर देंगे। इन्हें ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे, वरना फिर मॉइस्चर की वजह से ये फ्राई कम होंगे और आपस में पकने लगेंगे। मैंने इन्हें तकरीबन 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई की थी। ये देखिए हमारे मस्त से सीख कबाब बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें पाव के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या फिर पराठों के साथ खाएं। ये हर चीज़ के साथ बिल्कुल मज़ेदार लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।